हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, यूजीसी की तरफ से काफी बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। ऐसा ही एक और अपडेट आया है जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको इस चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देते रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए गाइज, जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है, दैट इज Why UGC wants faculty recruitment overhauled। मतलब फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको रिनोवेट करने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और आप सभी को पता है कि अभी एट प्रेजेंट एपीआई स्कोर के बेसिस पे, जिसका एपीआई स्कोर अच्छा होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के। तो ऐसे में आपको पता है कि पीएचडी जिसकी हो जाती है कंप्लीट, उसको उसका काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है एपीआई में, क्योंकि कई बार पीएचडी में 25 तो कहीं पर 30 30 मार्क्स तक दिए जाते हैं, 30 पॉइंट्स तक दिए जाते हैं एपीआई स्कोर में, जिसकी वजह से एपीआई स्कोर काफी हाई हो जाता है पीएचडी वालों का। तो एक चीज यहाँ पर ये ऑब्जर्व की गई, दैट इज कि जिन्होंने पीएचडी करी है ऐसा जरूरी नहीं कि वो बहुत ही अच्छे टीचर बन सकें, और जिन्होंने पीएचडी नहीं करी है वो भी काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इनफेक्ट पढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इनोवेटिव तरीके से लाई गई और काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर डाली गई, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अब कुछ फैसले जो हैं लिए गए हैं और कुछ फैसले लिए जाने बाकी हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में कम्प्लीट चीज़ इन्फो आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, देर इज़ ए क्रिटिकल नीड टू रिवाइज द 2018 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन regulation on the minimum qualification for the appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and the measures of the maintenance of standards in higher education file। तो यहाँ पर 2018 का जो रेगुलेशन है वही चल रहा है, जिसमें ये बोला जाता है कि पीजी प्लस नेट अगर आपके पास है तो आप ये, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में। बट रियलिटी ये है कि जहाँ पर रिटर्न एग्जाम होता है वहाँ पर तो पीजी प्लस नेट वालों का तो हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट जिनकी पीएचडी होती है उनका एपीआई स्कोर अच्छा हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी के केस में जहाँ पर यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर पीएचडी वालों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एपीआई इनका अच्छा बन जाता है। और एपीआई को ध्यान में रख करके जब रिक्रूटमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली इनका सिलेक्शन हो जाता है और पीजी प्लस नेट वाले रह जाते हैं यूनिवर्सिटी के केस में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कि अब जो है यूजीसी काफ़ी इन डेप्थ स्टडी कर रहा है इस टॉपिक में, इस चीज़ को लेकर के कि क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखकर के जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाए। सो फैकल्टी मेंबर्स मस्ट फर्दर सोसाइटल वेलबींग बाय डायरेक्टिंग अटेंशन टू सोशली रिलेवेंट रिसर्च, कोलाबरेटिंग विद इंडस्ट्री टू फाइंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स टू इवॉल्व इंटू सोशली कॉन्शियस सिटीजन्स। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में एपीआई के स्कोर के बेस पर सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, बट जबकि एपीआई एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो ये बताता है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है रिसर्च के बेसिस पे, आपकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा समझिए कि एपीआई को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, उसका रीज़न क्या था। उसका सिंपल सा रीज़न ये था, आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट API, that is Academic Performance Indicator, introduced by UGC in 2018. Ironically, these were supposed to make recruitment more transparent and measurable. तो इसको उस टाइम पर इसलिए लेकर आया गया था कि ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा और मेजरेबल हो सकेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, तो किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है किस बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो API था उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन API उसी का अच्छा बन रहा है एट प्रेजेंट जिसने रिसर्च में अच्छा काम किया है, या तो रिसर्च पेपर लिखे हो या फिर पीएचडी करी हो। तो पीएचडी कर भर लेने से कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं बन जाता, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है। और अब इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसका सिंपल से रीजन यही है कि एपीआई सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर है, जबकि एक टीचर की जो क्वालिटी है, पढ़ाने की जो क्वालिटी है, जो टीचिंग की क्वालिटी है, वो इसके थ्रू जज नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, दैट एपीआई वॉज widely criticized as it places excessive emphasis on quantifiable metrics। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे ध्यान दिया जा रहा है, और रिसर्च कहाँ पे हो रही है, कैसी हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, इस चीज पे इतना फोकस नहीं हो रहा है।
It uses a narrow checkbox approach to determine the applicant's academic and research contribution. तो ये एक narrow checkbox है जिसमें सिर्फ और सिर्फ quantifiable तरीके से चीजों को measure किया जा रहा है. The over reliance on API score has compelled faculty members to solely push in one way or another to maximize their API scores instead of contributing meaningfully to teaching, research and collaboration which are the bedrock of higher education. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि API जो है वो maximize तो कर सकता है किसी कैंडिडेट के मार्क्स यानी जो पॉइंट बनते हैं उसके एपीआई में ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और पीएचडी, लेकिन वो कितना क्वालिटी है उसके अंदर, मीनिंगफुल कितनी टीचिंग कर पा रहा है, मतलब टीचिंग कितनी अच्छे से कर पा रहा है, कितनी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो चीज एपीआई के थ्रू जज नहीं हो पा रही है, और जो कि एक बड़ा रीजन है एपीआई को क्रिटिसाइज करने का. तो इस चीज को ध्यान में रखकर के अभी यूजीसी ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी के का जो काम है वो ये होगा कि चीजों को गो थ्रू किया जाए और ड्राफ्ट जो है जल्दी ही जारी किया जाए. अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आगे. द डिसप्रोपोर्शनेट एम्फेसिस ऑन पब्लिकेशन ऑफन इन ड्यूबियस जर्नल्स, मतलब कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि फेक हो सकते हैं या अभी तो हैं वो लिस्ट में, यूजीसी लिस्ट में, बट वो कुछ टाइम बाद हट जाते हैं. तो इस तरह की जो चीजें वो सामने आ रही है, हैज हैड मेनी अनइंटेंडेड रेमिफिकेशंस. चीफ अमंग देम इज द इंडिफरेंस among teachers to turn academic research into solutions for industry. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी टॉपिक पे रिसर्च की जा रही है बस अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, एपीआई को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उस रिसर्च में ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अकेडमिक रिसर्च जो हो रही है कि उसको किस तरीके से सॉल्यूशन बनाया जाए इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है. जैसे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी रियल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, वो जो रिसर्च हो रही है वो सॉल्यूशन पे काम नहीं करी जा रही है बल्कि अपना एपीआई इंप्रूव करने पे बात जो है फोकस किया जा रहा है. ये ऑब्वियस ये बात है, जिसका एपीआई ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा. तो जो हमारा काम है सॉल्यूशन ढूंढने पे होना चाहिए ना कि एपीआई स्कोर इंप्रूव करने पे. तो अगर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो एपीआई ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा. तो यहां पर बात की जा रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए, अगर हो भी रही है तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. फैकल्टी मेंबर्स टू ऑल्सो लैक द पैशन फॉर एक्सप्लोरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, कमर्शलाइजेशन, पेटेंट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री पार्टनरशिप एज दीज स्किल्स आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग इवेल्युएशन. तो ये चीजें भी अब जो है बोला जा रहा है कि अब काउंट हो सकती है फ्यूचर में, एक टीचर के अंदर कितनी एंटरप्रेन्योरशिप क्षमता है, क्या कितना पढ़ा पाता है, कितना समझा पाता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टूडेंट्स को पेटेंट कराने के बारे में, रिसर्च करने के बारे में, स्टार्टअप करने के बारे में, इंडस्ट्री ओरिएंटेड. तभी ऐसा होता है हमारी इंडिया में. आप सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि एक बच्चा जिसने बीकॉम किया है या बीए किया है, बीएससी किया है, कंप्लीट ग्रेजुएशन हो जाती है फिर भी उसको जॉब नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके अंदर इस तरह की स्किल्स नहीं होती हैं जो कि जरूरी हैं. और किस तरह की स्किल्स? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल हो गई, स्टार्टअप्स की स्किल हो गई, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, पेटेंट वगैरह हो गए, रिसर्च करा कि पेटेंट कैसे कराया जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है, इस तरह की जो स्किल्स है किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट के अंदर नहीं है इंडिया में. और इसी वजह से ना तो जॉब मिल पाती है और ना ही फिर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं. तो डबल डबल फायदा होगा. पहला एडवांटेज तो वहां पे होगा जब टीचर का एक फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफिएबल चीजों को चेक ना किया जाए बल्कि उसके अंदर क्वालिटी वाली चीजों को भी चेक किया जाए. एक तो ये एडवांटेज मिलेगा और किस तरह की स्किल्स है टीचर के अंदर वो भी चेक होंगी. और सेकंड एडवांटेज मिलेगा, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो मिलेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की स्किल्स आ पाएंगी जिस तरह की टीचर के अंदर है. तो डेफिनेटली वो भी मार्केट में ना सिर्फ एक जॉब प्रोडक्ट बन के रह पाएगा बल्कि अपना खुद का भी स्टार्टअप को डाल सकता है और उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है. तो इस तरह की चीजें हैं वो निकल के आ रही है. अब मैं देखो इसका इस कंप्लीट वीडियो का सार बताता हूँ कि इस कंप्लीट वीडियो का सार क्या है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी. तो इस कंप्लीट वीडियो का सार ये है इस लास्ट स्लाइड में, दैट कंसीडरिंग द अबव फैक्टर्स एंड ड्यू टू, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस किस बेसिस पे और क्यों एपीआई अबॉलिश कर देना चाहिए और कुछ नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट में. वैसे इस कंप्लीट आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो आप कंप्लीट आर्टिकल पढ़ लेना. वैसे यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है दैट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी 2020 यूजीसी इन द पास्ट सिक्स मंथ हैज कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यूड इट्स 2018 रेगुलेशंस फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट. आप क्लियरली देख सकते हो कि यूजीसी ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहा है, पिछले 6 महीने से इस चीज पे काम ऑलरेडी किया जा रहा है कि किस तरीके से हम
और बेहतर तरीके से हम इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें और बेहतर तरीके से हम फैकल्टी को रिक्रूट कर सकें। सो इट विल इन ड्यू कोर्स मेक द ड्राफ्ट ऑफ न्यू रेगुलेशंस पब्लिक फॉर फीडबैक। तो अब जल्दी ही फीडबैक पब्लिक की फीडबैक के लिए अवेलेबल होगा कि पब्लिक बता सके कि किस किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो जैसे फीडबैक ओपन होगा मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूंगा, ताकि आप लोग भी मेल कर सकें या कोई फॉर्म फिल करना होगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा कि फॉर्म फिल करके आप अपना फीडबैक दीजिए, किन चीजों को कंसिडर किया जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और किन चीजों को इग्नोर किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के फीडबैक मांगा जाएगा आप सभी से। तो आप सभी उस चीज का फीडबैक दीजिए, फिर देन उसके बाद कंप्लीट और फाइनल जो है ड्राफ्ट बनेगा, और उसका फिर फाइनल जो ड्राफ्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन हुआ करेगा फैकल्टीज का। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है यूजीसी की तरफ से, क्योंकि अब जो है इस ड्राफ्ट के बेसिस पे आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिसाइड होगा फ्यूचर में। तो इसलिए बहुत ही बड़ा ये अपडेट है और एपीआई को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है ये। मैं इस कंप्लीट न्यूज को फॉलो करता रहूंगा और जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम आपको सभी को सबसे पहले तो हैप्पी छठ पूजा सभी को, और इस छठ पूजा ऑफर पे ओकेजन पे आप सभी को हम एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी फ्लैट 50% ऑलरेडी ऑफ था, अभी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चलेगा दो दिन, आज 6 तारीख और 7 तारीख, 6 और 7 नवंबर दो दिन का ऑफर है ये, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिसंबर 2024 की और जून 2025 की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कंप्लीट 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशल फोकस रीजनिंग एंड मैथ्स के ऊपर है, ताकि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से समझ सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। कूपन कोड है छठ10, इस कूपन कोड को मत भूलना अप्लाई करना। कूपन कोड अप्लाई करते ही आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइस किस तरीके से इनरोल करना है और कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर विनर बेस्ट 3.0 के थ्रू हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, और कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाला है। सुपर फास्ट स्पेशल बैच चल रहा है दिसंबर 2024 के लिए 3 मंथ वाला, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से हो जाएगी। करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।